और अगले दिन की स्ट्रैटेजी के साथ भी किसान तैयार हैं, मानने को तैयार नहीं, लेकिन चुनौतियां किसान की भी बढ़ रही हैं। मौसम में बदलाव हुआ है, ठंड बढ़ गई है, 17वें दिन किसानों के आंदोलन में जोश भी देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अपनी ओर से पूरी तैयारी में है। 17वें दिन भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहा, क्योंकि 17 दिन हो चुके हैं किसान अपनी यही मांगों को लेकर बैठे कि कृषि कानून बिल सरकार पूरी तरह से वापस ले ले, तभी हम दिल्ली की सीमाओं से हटेंगे। तस्वीरें मैं अपने पीछे की ओर दिखाना चाहूँगा, ये टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, क्योंकि जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से हम टीकरी बॉर्डर की लगातार दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। और तस्वीरें पहले दिखाने चाहेंगे बैरिकेडिंग की पल्ली तरफ, तमाम किसान अभी भी फिलहाल मौजूद हैं। मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ है, मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है क्योंकि बारिश हुई थी रात के वक्त, लेकिन किसान अभी भी डटे हुए हैं और स्टेज से संबोधन भी किया जा रहा है। तो कहा जाए किसानों के इस तस्वीरों को देख कर ये लगता है जो किसानों के जो हौसले हैं वो बुलंद है। लेकिन सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा बैरिकेडिंग की इस ओर, पहले मैं आपको एक ड्रोन दिखाना चाहूँगा, बाकायदा दिल्ली पुलिस की ओर से ये ड्रोन उड़ाया जा रहा है और इस ड्रोन से बाकायदा किसानों के बीच में क्या मूवमेंट हो रही है, क्या गतिविधि हो रही है, पूरी तरह से ड्रोन के जरिए नज़र रखी जा रही है, पर मिनट, पर आवर, पर घंटे में। लेकिन सुरक्षा की बात की जाए नीचे तो देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्सेस भी पूरी तरह से यहाँ पे तैनात की गई है। तो कहा जाए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी यहाँ पे तैनात किया गया और ऐसी तस्वीरें दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर देखने को मिल रही, क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस की ओर से कोई चूक ना हो सके उसको देखते हुए पुलिस ने मुस्तैदी को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। एक तस्वीर अपनी और दिखाना चाहूँगा, मैं इस वक्त छत पर मौजूद हूँ, ये देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पे भी दिल्ली पुलिस के जवान दूरबीन से किसानों के बीच में नज़र बनाए हुए कि क्या एक्टिविटी हो रही है और बाकायदा हर एक्टिविटी पे दूरबीन के जरिए जो है पुलिस नज़र बनाए हुए। तो कहा जाए सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जो है मुस्तैद है। तस्वीर ये भी मैं दिखाना चाहूँगा, ये टीकरी बॉर्डर टोल प्लाजा की तस्वीर है, ये देख सकते हैं बाकायदा पुलिसकर्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तैनात है पूरी तरह। तो कहा जाए पुलिस का जमावड़ा बहुत है क्योंकि किसानों की संख्या बढ़ती जा रही, लेकिन पुलिस की ओर से मुस्तैदी है क्योंकि बीती रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव भी टीकरी बॉर्डर पे आके उन्होंने मौके का जायजा लिया था, सुरक्षा को देखते हैं। तो कहा जाए पुलिस अब तैयारी में, लेकिन किसानों की माने तो किसान फिलहाल अभी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ साहिल महामरी, टोटल न्यूज़, टीकरी बॉर्डर।